दें मुरादाबाद से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गर शहीद थाना इलाके में बैंक अपराध अधिकारियों के साथ एक मकान खाली कराने पहुंची पुलिस और महिला के बीच हंगामा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मकान खाली कराने जब लोग पहुंचे, पुलिस और महिलाओं के बीच यहां पर हंगामा हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए आपको बता रहे, बैंक अधिकारियों के साथ पहुंची थी महिला पुलिस और हंगामे की तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। महिलाओं को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में यहां पर डाला गया है। गर्ल शहीद थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे किस तरीके से यहां पर महिला पुलिस कर्मियों के बीच मौजूद जो महिलाएं हैं उनके साथ बदतमीजी की गई है, उन्हें घसीटकर गाड़ी में डाला गया। महिला पुलिसकर्मी देखिए वहां पर मौजूद थी और इसके साथ महिलाओं के साथ बदतमीजी की तस्वीरें मुरादाबाद से ये सामने आई हैं। महिलाओं को घसीटते हुए पुलिस की तस्वीरें वायरल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मकान खाली कराने पहुंची थी यहां पर टीम और इसी बीच यहां पर बदतमीजी की तस्वीरें भी पुलिसकर्मियों की वायरल होती दिख रही है। महिलाएं वहां पर देखिए डटी हुई, वहां से जाने को तैयार नहीं, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने जबरन घसीटते हुए जीप में बैठाती है, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। अरे ऐसी बैठ जाओ ना। तो पुलिस और महिलाओं के बीच की यहां पर देखिए नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरें मुरादाबाद की देखिए तस्वीरें बताई जा रही हैं। पुलिस और महिलाओं के बीच यहां पर हंगामा हुआ है। बैंक अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंची थी महिला पुलिस, लेकिन इस बीच किस तरीके से बदतमीजी की गई है वो तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं को घसीटा गया, घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में यहां पर डाला गया है और महिला पुलिसकर्मी देखिए वहां पर काफी संख्या में मुस्तैद थी, लेकिन बदतमीजी की तस्वीरें जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है। मकान खाली कराने का पूरा मामला था, बैंक अधिकारियों के साथ पहुंची थी महिला पुलिस की पूरी टीम और महिलाओं के साथ ये बस सलूकी की गई है जिसकी तस्वीर अब ये वायरल हो रही। जबरन महिलाओं को देखिए घसीटा जा रहा था, हालांकि पूरा मामला क्या है इसको पूरे विस्तार से हमारे सहयोगी भी बताएंगे, लेकिन तस्वीरें बताती किस तरीके से यहां पर बदतमीजी की गई है। जबरन यहां पर महिलाओं को निकाला गया है मकान से बाहर और उन्हें जीप में बैठाला गया। तस्वीर यह आपके सामने, एक महिला देखिए हाथ छुड़ाती नजर आ रही, लेकिन दूसरी पुलिस महिला जो है वो उसे घसीटते हुए जीप में डालती दिख रही है और काफी संख्या में यहां पर देखिए महिला पुलिस नजर आ रही, हाथ पकड़ के महिलाओं को यहां पर उन्हें घसीटते हुए यहां पर जीप में बैठाने की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। तो मकान खाली कराने का देखिए पूरा मामला बताया जा रहा था जिसके चलते यहां पर बैंक अधिकारी भी पहुंचे हुए थे और महिला पुलिस टीम जो है वो भी यहां पर मौजूद थी। काफी संख्या में यहां पर टीम को बुलाया गया। आखिरकार महिलाएं कब से यहां पर है, रही थी, क्यों यहां पर मकान को खाली कराया गया, इन तमाम चीजों को लेकर भी देखिए हमारे सहयोगी से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें बताती है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई वो भी महिला पुलिस के द्वारा ही। महिलाएं वहां से हटने को तैयार नहीं, कैसे दुपट्टा पकड़कर सूट पकड़कर उन्हें घसीटा जा रहा है, जीप में जबरन बैठाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें ये वायरल हो रही है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर चीजों को अगर देखा जाए उसमें चूक भी है और यहां पर जो लोग यहां पर पहले से मौजूद थे वो तमाशबीन बड़े यहां पर तमाशा देखते रहे, बदतमीजी करती तस्वीरें महिला पुलिस की दिख रही है, किस तरीके से हाथ में लाठी लेकर उन्हें घसीटते नजर आ रही है महिला पुलिस, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे। मुरादाबाद की देखिए तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हंगामा महिलाओं के साथ ये हुआ है महिला पुलिस का और उसके बाद जबरन घसीटा जा रहा है उन्हें, कैसे यहां पर गाड़ी में जीप पे उन्हें भरा जा रहा वो तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं। बार बार महिलाएं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही।